देश की 49 जानी मानी हस्तियों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में इन्होंने मॉब लिंचिंग को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। पीएम को लेटर लिखने वालों में फिल्म मेकर अनुराग कश्यप, मणिरत्नम, रामचंद्र गुहा जैसी हस्तियां शामिल हैं। इन लोगों ने पीएम से मांग की है कि देश में बढ़ती इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए जल्द से जल्द कड़े कदम उठाए जाए। इस चिट्ठी में जय श्री राम के नारे लगवाकर पिटाई करने का भी जिक्र है। चिट्ठी में कहा गया है कि भगवान राम का नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मामले पर जाने माने फिल्म निर्देशक कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। वो बोले जो कहना था चिट्ठी में लिख दिया है। There's no view. The letter is self-explanatory. You can understand. Huh. Okay. So you spoke about Jai Shri Ram also. Yeah. Thank you. Right. वही फिल्म निर्देशक गौतम घोष ने मामले पर पीएम मोदी से जरूरी कदम उठाए जाने की मांग की। Try to create an appeal to the top man of the country that look, you know, what's happening. This kind of violence, intolerance, it's not desirable. And we know that, you know, India is progressing. And at this juncture, we have to stop this internal tension in our country. देश में पिछले कुछ सालों से मॉब लिंचिंग की कई घटनाएं सामने आई हैं। हाल ही में बिहार के सारण में भीड़ ने 3 लोगों को पीट पीट कर मार डाला। बिहार के अलावा कई राज्यों में ऐसे मामले देखने को मिले। ऐसे में देखना होगा मोदी सरकार पर इस मामले में क्या बड़ा कदम उठाया जाता है।